हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि आज जो केमिस्ट्री का पेपर था साइंस वालों के लिए, और केमिस्ट्री 12/3/2022 का जो पेपर है, तो यहाँ पे आज का जो पेपर है उसके जो एमसीक्यू हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन आंसर किस तरह से आ सकते थे, किस तरह से आंसर हो सकते थे, उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर के अंदर टोटल चार सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया था। यानी हम लोग ने पहले ही आपको ये बता दिया था कि जो पेपर है वो किस तरह से आ सकता है, कितने सेक्शन हो सकते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ जैसे प्रिकॉशन होते हैं उसी तरह की चीज़ें यहाँ पे दी गई थी कि आपको किस तरह से आपको सभी चीज़ों को यूज़ करना है, क्या आपको पेपर में क्या लेके बैठना है, क्या लेके नहीं बैठना है, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई थी। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्शन ए दिया गया है जिसके अंदर आपको एमसीक्यू यानी सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए गए थे एमसीक्यू टाइप के। और ये टोटल आपको कितने मार्क्स के दिए गए थे, 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए थे, 10 क्वेश्चन दिए थे। यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना कैरी मार्क्स करता है, 1 मार्क्स। तो अगर आपका एक क्वेश्चन सही गया होगा तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एटम इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर इज, यानी बीसीसी के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। तो उसका जो आंसर आएगा वो है 8। उसके बाद जो सेकंड है, इन कैलकुलेटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो है मोलेरिटी, ठीक है। आप अपना आंसर क्या करिए, चेक करते जाइए। उसके बाद थर्ड वन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन H2O, इट गिव द H2O इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ। तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है जिसके अंदर आपको वाटर से क्या फॉर्म हो रहा है, वापस वाटर फॉर्म हो रहा है। तो ऐसा कब होता है, सिर्फ वेपराइजेशन में, यानी अगर हम लोग पानी को हीट करते हैं तो उसका वेपर बनता है, अगर वापस हम वेपर को कंडेंस करते हैं तो वापस क्या होता है, पानी बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग वेपराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका जो आंसर आएगा मैग्नीज, क्योंकि इसके जो आउटर सेल होते हैं वहाँ पे जो लोन पेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी वे क्या बोलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, इसके लिए यहाँ पे ये मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 इज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये अगर पूरा यहाँ पे आपको अगर ये दिया है, कंपाउंड का नाम दिया है, तो इस कंपाउंड के नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सोडियम हेक्सा साइनोफेरेट, यानी एक तो सोडियम होगा, ठीक है, हेक्सा साइनोफेरेट होगा, यानी साइनोफेरेट की संख्या 6 होगी, और उसके बाद आगे आपको 3 दिया है, तो ये टर्म को आपको भूलना नहीं है। तो इसके लिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, 3 वाला, ठीक है, सी वाला। उसके बाद यहाँ पे जो सिक्स वाला क्वेश्चन है कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन द एयर ऑक्सीडेशन फॉलो बाय द डिकम्पोजिशन बाय द डाइल्यूट एसिड गिव, तो इसका क्या फॉर्म होगा, फिनॉल फॉर्म होगा। तो फिनॉल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C6H5OH, ठीक है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर जो ऐसा एक OH होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सेवेंथ वाला है कि द नेम ऑफ द मेटल नैनो पार्टिकल विच एक्ट एज द हाईली इफेक्टिव बैक्टीरियल डिस इन्फेक्टेंट इन द वॉटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस इज, तो इसका जो आंसर आएगा वो सिल्वर है, ठीक है। ये हर किसी को पता होता है कि सिल्वर क्या करता है, बैक्टीरियल डिस इन्फेक्टेड होता है वॉटर के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एट्थ वाला है क्वेश्चन कि एसिड अनहाइड्राइड ऑन द रिएक्शन विद द प्राइमरी अमाइन गिव द कंपाउंड हैविंग द फंक्शनल ग्रुप, तो इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर ये इमाइन नहीं आएगा, ठीक है। इसके जिसका भी क्वेश्चन पेपर है वो रॉन्ग है, इसका आंसर आएगा अमाइड, ठीक है। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, अमाइड। तो जिन बच्चों ने भी अमाइड सिलेक्ट किया होगा उनका क्या है, आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो नाइन्थ वाला क्वेश्चन है कि द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो यहाँ पे आपको एक सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है और आपको क्या पूछा गया है कि इस सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होगा। तो ये यहाँ पे जो टिकमा किया गया है -0.069, ये आंसर क्या है, रॉन्ग है, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान देना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, यानी 0.737 वोल्ट। ठीक है, तो आप बच्चों को ध्यान देना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। फिर आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे कि आपको 10 मार्क्स से कितना मार्क्स मिला है। उसके बाद यहाँ पे जो टेंथ वाला है, द वैल्यू ऑफ द H3O+ इन द मोल लीटर इनवर्स ऑफ द 0.001 मोलार एसिटिक एसिड सॉल्यूशन एंड Ka इज इक्वल टू 1.8 × 10⁻⁵ इज। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आपको 1.34 × 10⁻²  दिया है, लेकिन ये भी आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, यानी ये जिसने भी पेपर सॉल्व किया है उसने बहुत सारे गलत आंसर दिए हैं। तो इसका जो पहला आंसर आएगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाला, यानी 1.34 × 10⁻¹। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी हम लोग यहाँ पे नीचे गो थ्रू जाते हैं कि नीचे जो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, यानी अलग अलग सेक्शन के अंदर जितने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस तरह से है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर आपको वन सेंटेंस क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी थे, ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चन थे, इनऑर्गेनिक पार्ट के भी क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल भी पूछे गए थे 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल के बारे में पूछा गया था। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल ये पूछा गया है, फिशर। ठीक है, यानी जिन बच्चों को अगर ये सब नहीं आता है तो क्या उनका साइंस का क्या मतलब हो गया। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इसमें कम से कम आपको 8 मार्क्स तो प्रॉपर आने ही चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ आप इसको चेक करिएगा, ठीक है, अपने बुक में डाइजेस्ट में इसको चेक करिएगा कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर अटेम्प्ट एनी 8, यानी यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 16 मार्क्स का है। ठीक है, तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आपको करना है, तो पर क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स। ठीक है, तो दो दो मार्क्स के लिए आपको कितने पॉइंट बोले थे हमने, 2 से ज़्यादा 3 पॉइंट्स अगर आप लिखते हो विथ अलॉन्ग विथ डेफिनेशन, तो आपको आसानी से 2 मार्क्स उसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला ही क्वेश्चन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, जो एकदम बहुत ईजी है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे स्कॉटी डिफेक्ट था, देन उसके बाद सोडियम इन द ड्राई इथर एंड द मैग्नीशियम इन द ड्राई इथर, ये इथर वाला जो क्या बोलते हैं रिएक्शन था, ये भी बहुत ईजी था, यानी क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो ही आपको ईजी लगेगा। अगर आप बिना पढ़े जाओगे तो आपको कितना भी ईजी पेपर दे दिया जाए, भले ही आपको सिर्फ MCQ अगर 50 MCQ 50 या 100 मार्क्स का MCQ दे दिया जाए तो भी आपको वो डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर जब तक आप पढ़ाई नहीं करते तब तक आपके लिए पेपर हार्ड ही होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ आप इसको चेक करिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन दिए थे, टोटल यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिए थे, 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन सॉल्व करने थे और पर क्वेश्चन कितने, 2 मार्क्स का था। उसके बाद यहाँ पे जो सेक्शन सी था, जिसके अंदर 24 मार्क्स अलॉट किए गए थे, और इसके लिए भी सेम आपको कितने, 8 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, यानी पर क्वेश्चन कितने, 4 मार्क्स। ठीक है, तो 4 मार्क्स के लिए आपको एक डेफिनेशन लिखना था और कम से कम 5 पॉइंट लिखना था। तो अगर 5 पॉइंट अगर आप डेफिनेशन के साथ लिखते हो तो आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। और जिस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई स्ट्रक्चर है, कोई डायग्राम है, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो आपको क्या करना है, उसको बनाना है। ठीक है, तो और उसी को एक्सप्लेन करना है, तो भी आपको 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप कितने आसान क्वेश्चन थे। ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में पूछा है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के बारे में पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन कितने इजी थे, और कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी हम लोग ग्लूकोज को किस तरह से कमर्शियली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछा था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, अगर आप एक बार भी अगर गो थ्रू करके जाते अगर अपने टेक्स्ट बुक को, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि मैं ऑनलाइन सब पढ़ लूँगा तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जो उनको लगता है वो पढ़ाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है उसके हिसाब से आपको करके जाना होता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे केमिकल रिएक्शन पूछा है, और हॉट HI के साथ, PCl5 के साथ, डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको खुद से ही करनी होती है, ये सब चीज़ें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सेक्शन डी था, जिसके अंदर आपको कितने 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 4, यानी टोटल कितने मार्क्स हो गए, 12 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ पे आपको कितने टोटल 5 क्वेश्चन दिए थे, और 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने के लिए
कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे कहा था कि डेफिनेशन आपको याद करके बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके लिए यहाँ पे आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है, ऑस्मोसिस क्या होता है, और उसके ऊपर यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन पूछा था डेंसिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो आपको डेंसिटी निकालने आना चाहिए, डेंसिटी निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, इसके लिए आप एक बार भी अगर फॉर्मूला को गो थ्रू करते हो तो आपको डेंसिटी ये सब चीज़ें निकालने के लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन पूछा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि इसमें है क्या, सबसे सिंपल थर्मोडायनेमिक है, ये है फर्स्ट लॉ है, उसके अंदर ये एनर्जी पास नहीं होती है, हीट नहीं होता है, यही सब चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी सेम टेम्परेचर पे जो प्रोसेस होता है इसको आइसोथर्मल बोलते हैं, एडियाबेटिक यानी सेम प्रेशर, तो ये सब चीज़ें तो बहुत आसान थी, तो ये सब चीज़ें अगर आप करके गए होंगे, अगर आपने लिखा होगा पेपर में, तो आपको आसानी से पेपर के अंदर कितने मार्क्स का पेपर है, यहाँ पर टोटल 70-80 मार्क्स का पेपर है, 70 मार्क्स का पेपर है, तो 70 मार्क्स के पेपर में आप आसानी से 50-60 मार्क्स आसानी से आप निकाल सकते हो, और बचे जो 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स में जो इंटरनल है आपको आसानी से 25-28 मार्क्स आपको स्कूल से दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो आपका टोटल स्कोर होगा 100 में से वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका टोटल स्कोर लगभग 90 तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए फायदेमंद है कि आप क्वेश्चन को करके जाइए, और ये एक क्वेश्चन के लिए नहीं, एक पेपर के लिए नहीं, बल्कि जितने भी पेपर होने वाले हैं आपके, आप सब पेपर के लिए करके जाइए। ठीक है, तो ये हमने आज का जो पूरा पेपर है ये डिस्कस किया है कि किस तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है वो एकदम इजीली तरीके से पूछे गए थे, बस आपको खुद से पढ़ के जाना है एग्जाम के अंदर, आपको किसी और पे डिपेंड होके नहीं जाना है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया है या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।